हाय गाइस, प्रेस किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और बहुत ही यम्मी शिमला मिर्च आलू और प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पास मैंने काट कर रख लिया है। तो यहाँ पास मैंने लहसुन काट के रखा है, बारीक कटी हुई प्याज मैंने एक काटी है और इस तरह से मैंने प्याज के स्लाइस को निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने दो प्लाइस के प्याज लिए थे जिसकी स्लाइस निकाली, साथ ही मैंने तीन हरी मिर्ची ली हैं जिसे बीच से कट लगा दिया है, और ये शिमला मिर्ची है जिसे मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पास मैंने दो आलू लिए हैं जिसे मैंने थोड़ा सा मोटा साइज से काटा है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी सब्जी। तो यहाँ पास हमने कढ़ाई में तेल डाला है, तो मैं यहाँ पास सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपनी स्लाइस वाली प्याज, और साथ ही इसमें हम अपनी डाल देंगे शिमला मिर्ची, और इसे अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका हमें कच्चापन निकालना है, बस इतना ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, हमारी शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरीके से हो चुके हैं, तो बस हमें इसे इतना ही करना था। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से बनाने में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। साथ ही हम उसी तेल में हम आलू को भी अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैं लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ हाई फ्लेम में। तो ये देखिए, हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो बस हमें इसे भी इतना ही फ्राई करना था। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में हम अब तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ राई। राई के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा मेथी दाना डालें। उसके बाद हम अपनी इसमें लहसुन डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी हरी मिर्ची। एक बार हम इसे चला लेंगे। चलाने के बाद जो हमने प्याज काट के रखा था वो प्याज हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ प्याज की प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल प्याज काट के भी आप बनाएंगे तब भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारे प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। तो इस टाइम पे मैं इस अब इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने काट के इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पास मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको तीखा खाना पसंद है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और सभी मसालों को एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। नमक डालने से टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाएंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालें और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, मैंने नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढककर पकने देते हैं जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल ना जाएं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, आप ज़रूर इसे एक बार घर पर ट्राई करें। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए, हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, इसके ऊपर से ऑयल दिखने लगा था, तो बस हम इसे इसी तरह से हाथों से, हल्के हाथों से हम इसे मैश कर लेंगे, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। तो अब इस टाइम पे हम इसमें अपनी सब्जियाँ डालेंगे जो हमने फ्राई करके लिए थे, और उसे भी हम पूरे मसाले में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरीके से सब्जियों में फैल जाए। तो ये देखिए, मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें डालकर चलाते हुए हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है। आप चाहें तो इसे इस टाइम पे इसी तरह से खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ग्रेवी वाली बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पास डाल रही हूँ गरम मसाला,
गरम मसाला कोई सा भी आप डाल सकते हैं, चाहे आप सब्जी मसाला डाल दें। और इसे भी हम डालकर एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि मैं इसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। इसलिए आप चाहें तो इसे इस टाइम पे भी इसे खा सकते हैं। ये कंप्लीट सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो ये डालें हम ग्रेवी इसमें, और ग्रेवी के लिए आप पानी जितना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। अब इसे हम ढक कर पकने देंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने 10 मिनट के लिए ढक कर पकने दिया है, और ये अच्छी तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है पक कर रेडी हो चुकी है। मुझे जितनी इसकी ग्रेवी चाहिए उतनी ये है। तो बस इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, जिसे हम थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे, और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे। इससे जो ग्रेवी का टेक्स्चर होता है बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी डालने के बाद हम एक बार चला लेंगे। तो बस ये रही हमारी शिमला मिर्च, आलू और प्याज की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पूड़ी, पराठा या चावल के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।